हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैं तैयार हो गई हूँ और सूट डाल लिया है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जब साड़ी पहन के जाती हूँ ना, बहुत ज्यादा पेट में मतलब ऐसा लगता है सब कुछ बंद गया, कसा कसा सा लगता है। तो इसलिए मैंने सूट ही डाला है और अब चलती हूँ, तैयार हो गई हूँ। और खाना में आज जो सुबह सुबह बना है ना, यहाँ पर राजमा और रोटी। खाना अपना पैक भी नहीं किया है, क्योंकि राजमा जो है अगर गरम गरम पैक कर देती हूँ ना तो उसका वो हो जाता है, देखिए पसीना कितना हुआ है। गरम गरम पैक कर दो तो उसकी भाप बन जाती है, तो उसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए अभी छोड़ दी थी। तब तक मैं तैयार होने लगी थी और बस जल्दी से पूजा करके निकल जाती हूँ, नहीं तो मैं हो जाऊंगी लेट। तो पानी मैंने भर लिया है और मैं राजमा और रोटी पैक कर लेती हूँ। तुम देख सकते हैं बनके तैयार है और राजमा बना रहेगा ना, आके चावल डाल दूंगी। हमारा हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, मेरे भाई ने ऑर्डर कर दिया था तो ये आज ही आया है। मैं स्कूल से आई हूँ ना तो मुझे ये मिल चुका है। हर मैं खोल लूँ, वैसे तो यश ने खोल लिया है, देख सकते हैं। और ये ना इतनी सी बॉटल, सच में देखो बहुत बड़ी नहीं ये कह सकते इसको, लेकिन ये बॉटल आई है 1500 की और 100 रुपये उसने डिलीवरी चार्ज लिया है। यानी कि मैंने इस बॉटल के पूरे टोटल 1600 रुपये दिए हैं। अब लेकिन ये फ़ायदा क्या करता है क्या नहीं करता है ये तो पता ही चलेगा लगाने के बाद। तो अभी इसको आज से लगाना ही शुरू कर दूंगी यश को, तो देखते हो यश का जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुकता है क्या, वरना पता चला कि ऐसे ही निकला। ये महीने में मैं आपको इसका रिजल्ट बता सकती हूँ, क्योंकि एक महीने में पता चल जाएगा इसको यूज़ करते करते कि ये 1600 मेरे अच्छे जगह यूज़ हुए या मेरे डूब गए हैं, पता चलेगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आने के बाद जैसा हमेशा की तरह थोड़ा सा रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी हूँ, फिर और घर के काम निपटाए हूँ और लंच के बर्तन थे वो सारे साफ किए हूँ। भिंडी लेके आई थी तो भिंडी धोई हूँ, सब्जी भी बना के चली जाती हूँ, लेकिन अभी सब्जी नहीं बना पाई थी भाई। स्कूल से आने के बाद मैं क्या क्या ही करूँ, तो बस घर के काम करके नहा धो के तैयार होके बस निकल गई थी मंदिर। आके आप करूँगी जो करना है, ये काम यहीं पर स्टॉप कर ली थी। और यशु है एसी चला के सो रहा है, कल यश के पापा भी आ जाएंगे अपने मतलब मेरी ससुराल से अपने घर से। तो चलिए पहले आज मैं मतलब एक कुछ लेके आई हूँ, बनवाई हूँ स्कूल से आते हुए, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जब मेरे भाई की स्टार सेरेमनी थी उसका ब्लॉग मैंने बनाया था, तो वो सारी यादें मैंने भी बड़ा मतलब उसमें मैंने करवाया है, बहुत सारी फोटोज लगाई हैं इसमें और काफी अच्छा खासा ये बड़ा है, देख सकते हैं मैं पूरी ढक चुकी हूँ इसमें। अभी इसमें छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मैं जब जाऊंगी ना, देखिए हम दोनों मैंने मम्मी है, भाई बीच में है, इधर भी इधर इधर हम दोनों हैं, ये इधर पापा है, मम्मी है, सब लोग हैं। मतलब बहुत ये यादें ना मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा ले जाऊंगी मम्मी के घर पे तो वहां पर जो ड्राइंग रूम है ना उस पर लगवाऊंगी बहुत। लेकिन इसको मुझे ले बहुत संभाल के जाना पड़ेगा, इधर भैया ने रैप करके दिया था इसमें, लेकिन ये अभी मैंने खोलने देखने के चक्कर में मतलब निकाल दिया है। फिलहाल मैं इसको ना किसी बड़ी चीज़ में लपेट के रखती हूँ कपड़े में, ताकि मैं ऐसे सेफली जब भी घर जाऊँ ना तो लेके जाऊँ। और शायद अब इसकी शादी में ही जाऊँगी तो ही ले जाऊँगी, और शादी में जाऊँगी जब तो गाड़ी से जाऊँगी तो गाड़ी में अच्छे से ये चला जाएगा। और ये वैसे इतनी बड़ी चीज़ ना लेके जाना बहुत मुश्किल है। मेरा बहुत मन किया, मैंने बनवा लिया, फिर मैंने कहा चलो ये घर पे ना मतलब अच्छा लगेगा सबको, सब देखेंगे तो। और मेरे पास सारी फोटोज थी, मैंने अपने कैमरे से मतलब ली थी अपने फोन से, तो मैंने कहा चलो मैं बनवा लेती हूँ। पहले शाम हो गई है, तो यही होता है स्कूल के साथ, तो यही होता है कि स्कूल से आओ इतना बिजी लाइफ हो जाती है यार। श्रेया ने मुझे बहुत, श्रेया गुस्सा हुई यार बहुत ज़्यादा, कह रही थी आप इतना काम करोगे ना तो फिर
जैसे पिछले साल पड़े थे ना वैसे फिर पड़ जाओगे, थोड़ा रेस्ट लिया करो। सोई तो थी मैं ना थोड़ी देर, तो मैं सोती जरूर हूँ स्कूल से आने के बाद, पर कई बार नहीं भी टाइम मिल पाता तो नहीं भी सोती हूँ। जोत खत्म की और ये प्रसाद मैंने मिश्री और सब पंचमी बना के रख लिया है। भिंडी धो के चली गई थी क्योंकि इसका पानी निकल जाता है ना, तब ये काट लूंगी जल्दी से, मतलब लिबली भी नहीं होगी और साफ सुथरी बन जाएगी। तो गैस सारा साफ करके गई थी अच्छे से, और बर्तन वर्तन देख सकते हैं मतलब सारे मैं लगा धो के भी चली गई थी ताकि आने के बाद मुझे कुछ ना करना हो। अब मैं जल्दी से फिर करूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी भिंडी की, और मेरी यशु को भिंडी पसंद है या तो पनीर, दो सब्जियों बहुत खुश से खाता है। मैंने सोचा चलो इस टाइम में भिंडी बना देती हूँ। थोड़ी सी ना दही है, दही बहुत अच्छी जमी थी तो उसको बूंदी का रायता बना के दे देती हूँ क्योंकि उसको पसंद है। बना रही हूँ देखो इतनी अच्छी दही है चटकी वाली, तो बढ़िया सा रायता बूंदी का, इसमें भुना हुआ जीरा डालूंगी, थोड़ा सा मिर्च, हल्की सी मिर्च एकदम डालूंगी जरा सी, तो बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे भी सच बताऊँ तो भूख बहुत तेज से लगी थी। बात करते करते खाना भी हो गया है और ना फोन आ गया था, तो बस फोन से मैं बात करने लग गई थी मम्मी से, तो इसलिए मैं ना जब ना वीडियो बनाने लग जाओ ना किसी का फोन आ जाता है तो वीडियो वहीं रह जाती है। तो आज मेरी वीडियो ऐसे ही बनी है, जितनी बार मैंने कोशिश की है व्लॉगिंग करने की उतनी बार किसी ना किसी का फोन आ ही गया है, तो फिर बात ही नहीं हो पाई, मतलब बन ही नहीं पाया है, सब कुछ मैं नहीं शूट कर पाई। खाना दे दिया, वो खा रहा है, उसको भूख लगी थी तेज से, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई खाना बनाने में आज। चलो रायता है, सब्जी है भिंडी की, रोटी है, खाना खाते हैं।